हरिद्वार में महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यौन शोषण का आरोप जिला खेल अधिकारी पर है। पीड़ित खिलाड़ियों ने हरिद्वार के एसएसपी को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला खिलाड़ियों का आरोप है कि जिला खेल अधिकारी नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए उनका न केवल यौन शोषण करते हैं बल्कि धन की उगाही भी करते हैं। फिलहाल अब मामला महिला खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हरिद्वार पुलिस महिला खिलाड़ियों की लिखित शिकायत पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पे रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। कभी हाथ पकड़ते हैं, अभी कैंप लग रहा था, पहले जब बोर्ड के पेपरों से पहले कैंप लग रहा था सर, उसमें बोला कभी हाथ पकड़ते हैं और कभी बोलते, कभी इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, बिल्कुल खुल के नहीं बता सकते। कभी हाथ पकड़ते हैं, अभी कैंप लग रहा था पहले जब बोर्ड के पेपरों से पहले कैंप लग रहा था सर, उसमें बोला कभी हाथ पकड़ते हैं और कभी बोलते, कभी इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, बिल्कुल खुल के नहीं बता सकते। और वही महिला खिलाड़ियों के आरोपों को जिला खेल अधिकारी ने बेबुनियाद बताया है। कोई भी कह सकता है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, कोई भी कह सकता है। अब इसका कोई प्रूफ हमें कोई दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नरेश गुप्ता है हमारे साथ इस खबर पर। नरेश जी बताइए, इस मामले में अभी तक कार्रवाई ठीक से क्यों नहीं हुई, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? देखिए शिल्पी, मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट तो इस मामले में दर्ज हो गई है और ये अब पुलिस जांच कर रही है। एसएसपी का कहना है कि जांच के बाद ही जिला क्रीड़ा अधिकारी जो कृष्ण कुमार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो महिला खिलाड़ी है हॉकी की, इनमें काफी आक्रोश है कि पुलिस इस मामले को लेकर काफी ढीला ढाली रवैया अपनाए हुए है और उनकी जो शिकायत है उसको गंभीरता से नहीं ले रही है। पुलिस ने काफी लड़कियों के जो खिलाड़ी लड़कियां हैं इनके शोर मचाने के बाद और सारी बातें इन्होंने मीडिया में आने के बाद रिपोर्ट तो लिख ली है, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बावजूद भी अभी तक उसकी कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर महिला खिलाड़ियों में आक्रोश बना हुआ है। और पुलिस केवल इतनी बात कह रही है कि इसकी जांच चल रही है और जांच के बाद ही उस जिला क्रीड़ा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।